सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वायरल बंदा। और गाइस आपके लिए एक और कस्टम रोम का रिव्यू लेकर आ गया हूं मैं रियलमी 3 प्रो के लिए। यहां पर आ गया है पहला बिल्ड ब्लिट्ज ओएस का रियलमी 3 प्रो पर, यानी कि ब्लिट्ज रोम का। तो चलते हैं गाइस हम अबाउट फोन में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना शानदार सा एनिमेशन आ रहा है टीम ब्लिट्ज की तरफ से। और यहां पर हम जाएंगे गाइस एंड्रॉइड वर्जन पर, और यहां पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 10 सिक्योरिटी पैच लेवल 5 जुलाई 2020, यानी कि लेटेस्ट। और यहां पर आप देख सकते हैं कर्नल जो है स्टॉक कर्नल लेने जो वाला यहां पर यूज़ किया गया है। और गाइस यार इस रोम को यूज़ करते करते 2 दिन हो गए और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव इसका यूआई मुझे लगा है गाइस। तो क्या खास बात है गाइस ब्लिट्ज ओएस में, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इसकी होम स्क्रीन से। तो आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन इसकी बिल्कुल ही सिंपल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एट अ ग्लैंस जिस पर लिखा हुआ है वेलकम टू ब्लिट्ज रोम प्लेस रोम्स FTW। और गाइस यहाँ पर आप जो वॉलपेपर देख रहे हैं, मैंने थर्ड पार्टी वॉलपेपर अप्लाई किया हुआ है, यानी कि इस रोम के साथ नहीं मिलता है। इस रोम के साथ जो वॉलपेपर दिखता है गाइस वो ये रहा। ऑन डिवाइस वॉलपेपर पर आप देख सकते हो नेचर वाला एक वॉलपेपर आपको देखने के लिए मिल जाता है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आइकन्स है वो लिनेज ओएस वाले आइकन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर ऐप्स की बात करें जो प्री इंस्टॉल्ड आती है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारी ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं एक्सक्लूडिंग मजेस्क। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करते हैं हम स्टेटस बार की, तो आप देख सकते हो कि इसका स्टेटस बार और नोटिफिकेशन पैनल जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। इस पर भी गाइस आपको डिस्को टाइल्स और रैंडम कलर वाले टाइल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर कौन से टाइल्स अवेलेबल है तो उसकी बात हम कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्विच डेटा टाइल और स्क्रीन रिकॉर्डर वाले टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर जो है क्विक वाले अवेलेबल है, जैसे कि ADB। और यहाँ पर आप रिबूट का शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। स्क्रीन स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है गाइस, और बाकी थर्ड पार्टी टाइल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वॉल्यूम पैनल की बात कर लेते हैं गाइस ब्लिट्ज रोम के, तो इसका जो वॉल्यूम पैनल है वो बिल्कुल ही शानदार है। और हमारे जो कस्टम थीम है ग्रेडियंट थीम, वो भी इस वॉल्यूम पैनल पर अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडियंट वाला स्टाइल आपको देखने के लिए मिल रहा है। और हमारे जो ब्राइटनेस स्लाइडर है गाइस, इसको भी आप देख सकते हो कि इसका भी जो कलर है वो एक ग्रेडियंट कलर है, और यहाँ पर आपको जो है ऑटो ब्राइटनेस का आइकन मिल जाता है। आपकी जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उसकी पोजिशन को टॉप बॉटम आप कर सकते हो गाइस, और नीचे आप जो है कस्टम मैसेज ऐड कर सकते हो। हेडर की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको ब्लिट्ज रोम के हेडर्स दिख रहे होंगे, ये जो है गाइस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और आप अपना कस्टम हेडर भी अप्लाई कर सकते हो गाइस। आप ये जो क्विक सेटिंग आइकन्स देख रहे हो इनके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको सेटिंग में और ब्लिसिफाई में जाना होगा। और गाइस यहाँ पर आपको जाना होगा थीम्स में, जहाँ से आप जाकर चेंज कर सकते हो आपका जो एक्सटेंड कलर है। आप यहाँ से दोनों ही एक्सटेंड कलर चूज कर सकते हो ग्रेडियंट स्टाइल के लिए। और प्राइमरी कलर की बात करें तो गाइस अगर आप डार्क थीम इनेबल करते हो तो ब्लिस क्लियर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट थीम, जो कि इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, फिर भी अच्छा है गाइस। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग डार्क थीम के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, और लाइट थीम में तो सिर्फ लाइट थीम ही आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। बाकी यहाँ पर फॉन्ट्स और आइकन शेप की, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप आइकन शेप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने अभी पेबल आइकन शेप अप्लाई कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो होम स्क्रीन पर। तो सारे पेबल वाले आइकन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिसके बीच आप चूज करके अप्लाई कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर बात करते हैं स्टेटस बार आइकन की, तो आप इसको राउंडेड फील्ड या फिर सर्कुलर कर सकते हो, जैसे कि मैं सर्कुलर करके दिखाता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब हमारे जो आइकन है स्टेटस बार के वो चेंज हो चुके हैं। क्यू स्टाइल आइकन्स की बात करते गाइस, तो जैसे कि मैंने अभी कॉस्मोस लगा रखा है गाइस, अनदर एक फेवरेट ऑप्शन है वो है गाइस नियॉन लाइक, जिससे हमारे जो आइकन से बिल्कुल नियॉन कलर में हो जाते हैं, जो कि बहुत शानदार खूबसूरत से लगते हैं। तो अब आप देख सकते हैं गाइस जो हमारे नियॉन आइकन्स है वो कितने शानदार यहां पर लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो कस्टम कलर्स हैं और जो कस्टम आइकन स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर लगता है गाइस देखने में। मेरे तो फेवरेट है गाइस नियॉन स्टाइल, और या फिर आप बात कर लो कॉस्मोस की, तो ये दोनों मेरा फेवरेट है। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे अवेलेबल है गाइस, डजन ऑफ स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है जिनके बीच आप चूज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर स्विच की बात कर लेते हैं, तो स्विच यहाँ पर आपको टेलीग्राम कंटेंट नैरो और वन प्लस के स्विच यहाँ पर अवेलेबल दिख जाते हैं गाइस। थीमिंग की बात करें तो यार ये भी एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है, एंशियंट ओएस की तरह इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसको यूज़ करके आप अपने फ़ोन को अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और गाइस यार काफ़ी शानदार लगते हैं मुझे तो ये जो नया वाले स्टाइल आए हैं डिस्को टाइल्स वगैरह, वो मुझे बहुत शानदार लगता है गाइस। और यहाँ पर और भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एम्बिएंट डिस्प्ले है वो वर्किंग है। आप डबल टैप जेस्चर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो हैंड वेव जेस्चर वगैरह वो यूज़ कर सकते हो। एम्बिएंट डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन पर भी आप सेट कर सकते हो, और वो भी आपको वर्किंग मिल जाता है गाइस। ब्लिसिफाई में जाओगे गाइस और स्टेटस बार पे जाओगे, तो यहाँ से आप अपनी क्लॉक स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। क्लॉक की पोजीशन लेफ्ट राइट आप कर सकते हो, और डेट वगैरह भी इनेबल कर सकते हो। कलर की बात करें तो गाइस आप क्लॉक का जो कलर है और जो फॉन्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर ब्लू करके दिखा देता हूँ हमारी क्लॉक का जो कलर
कलर है। तो ये देखिए गाइस ब्लू हो गया है। फॉन्ट चेंज करने की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, कम से कम 30+ फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस आपको मैं नियॉन लगा कर दिखा देता हूँ, तो ये अभी विजिबल नहीं होगा, इसको मैं वापस वाइट कर देता हूँ तो अभी थोड़ा सा दिखेगा। अब आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो क्लॉक का फॉन्ट है वो कितना शानदार लग रहा है। प्लस आप क्लॉक का जो साइज़ है उसको बड़ा भी कर सकते हो, जो कि और भी बेहतरीन लगता है। बैटरी जो परसेंटेज है उसको आप इनेबल कर सकते हो इनसाइड आइकन या फिर नेक्स्ट टू द आइकन। बैटरी स्टाइल की बात करें तो सर्कल, डॉटेड और फील्ड वाले अवेलेबल हैं यहाँ पर। और गाइस कस्टम चार्जिंग सिबल यहाँ पर, अगर आप टैक्स वाली बैटरी यूज़ कर रहे हो तो फ्लैश और टाइल्ड अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बैटरी बार जो है आप इनेबल कर सकते हो। सिस्टम आइकन्स की बात करें तो सारे आइकन्स जो यूज़फुल नहीं है आपके लिए उनको आप डिसेबल भी कर सकते हो। 4G या फिर LTE आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं LTE यूज़ कर रहा हूँ 4G की जगह। वोल्टी आइकन्स गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, फिलहाल तो मैंने इसे डिसेबल कर रखा है क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो जाती है। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि MIUI 11, वोल्टी, ASUS और EMUI वगैरह के आइकन्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं कुछ भी लगा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं HD के आइकन आ गए हैं, पर मैं इसे डिसेबल करूंगा क्योंकि स्पेस नहीं घेरनी है। और गाइस यहां पर आपको कैरियर लेबल, ट्रैफिक मॉनिटर, ट्रैफिक इंडिकेटर, ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो आप स्लाइड करके। और यार जो हमारा इंडिकेटर वो भी अच्छे से काम कर रहा है। गाइस यहाँ पर एनिमेशंस में चलते हैं हम, तो एनिमेशन में आपको लिस्ट व्यू एनिमेशन वगैरह सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और आपको जो है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। और गाइस अगर आप चाहो तो एनिमेशंस को डिसेबल भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग कैटेगरी के ऑप्शन है उसको एक बहुत शानदार लिस्ट सेपरेटर से डिवाइड किया गया है, जो बहुत शानदार इफेक्ट लगता है। और गाइस क्विक सेटिंग की बात कर लेते हैं, तो क्विक सेटिंग पर जो है टिंट मोड या फिर रैंडम कलर मोड आप इनेबल कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है, जो बहुत शानदार लगता है। और लेबल जो है गाइस आइकन्स का, क्विक सेटिंग आइकन्स का, उनको भी आप रैंडम कलराइज कर सकते हो। वाइब्रेट ऑन टच वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। बैकग्राउंड की जो ओपेसिटी है गाइस, अभी जो आप देख सकते हो थोड़ा सा बैकग्राउंड दिख रहा होगा, पर अभी इसको हम फुल्ली ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखो गाइस फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो गया। बैकग्राउंड में ब्लर इनेबल है इसलिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आपको नहीं दिख रहा है। ब्लर आप बंद भी कर सकते हो यहाँ से, ब्लर बिहाइंड क्विक सेटिंग्स को बंद करके। और गाइस रोज और कॉलम के नंबर इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हेडर आप कस्टम अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहे हेडर्स के ऑप्शन, जो कि आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का हेडर बनाकर अप्लाई कर सकते हो। और गाइस अब हम चलते हैं यहाँ पर सिस्टम इन्फो पे, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। डिस्प्ले फुटर टेक्स्ट से आप यहाँ पर जो फुटर होता है हमारे स्टेटस बार नोटिफिकेशन पैनल का, यहाँ पर आप कस्टम मैसेज ऐड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर जो है बाकी नॉर्मल सी चीज़ें जो आप हर रोम में देख सकते हो। हम चलते हैं लॉक स्क्रीन में, तो लॉक स्क्रीन में आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल्स। तो बहुत ज़्यादा क्लॉक स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है, ग्राफिकल या फिर आप कह लो या फिर वैक्टर वाली क्लॉक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और स्पाइडरमैन क्लॉक यार आप देख सकते हो शानदार सी लगती है। तो बहुत सारी क्लॉक्स अवेलेबल हैं, आप कोई सी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लॉक स्क्रीन पर। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्मल सी क्लॉक जो है अवेलेबल है, और आप इसको चेंज कर सकते हो। गाइस लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक है उसका साइज, फॉन्ट, कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और जो डेट और ओनर इन्फॉर्मेशन है उसके लिए भी सेम ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। गाइस पावर मेन्यू की बात करें तो गाइस आप एक्सटेंडेड पावर मेन्यू यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। और जो चार्जिंग एनिमेशन है, ये काफ़ी सारे चार्जिंग एनिमेशन भी यहाँ पर अवेलेबल लॉक स्क्रीन के लिए, जो कि आप इनेबल कर सकते हो यहाँ से। और गाइस बाकी यहाँ पर भी आप नॉर्मल सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। जेस्चर्स में चलते हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको डबल टैप टू स्लीप, डबल टैप टू वेक वाले जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और मोर पे चलते हैं, तो मोर पे आपको स्लिम रीसेंट स्टाइल देखने के लिए मिल जाता है गाइस। तो ये देखिए, इसको जैसे हम इनेबल करते हैं तो यहाँ से जो आपकी रीसेंट है वो स्लिम वाली हो चुकी है। अब आपको कोई भी पॉपअप वाली रीसेंट देखने के लिए नहीं मिलती, तो स्लिम रीसेंट गाइस बहुत शानदार सी लगती है, कुछ इस तरीके से होती है। आप कोई सी भी ऐप को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो या फिर क्लियर कर सकते हो या फिर वापस से खोल सकते हो। स्लिम रीसेंट्स फिलहाल हम बंद कर देते हैं गाइस। और स्लिम रीसेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आप पूरी कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। वन UI स्टाइल ये देख सकते हैं गाइस कि अब जो सेटिंग जो टेक्स्ट है, जो हेडर है, वो काफ़ी बड़ा आइकन यहाँ पर दिख रहा है आपको, मतलब जो प्लेस होल्डर है सेटिंग्स टेक्स्ट का, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, जो कि वन UI से बिल्कुल रिजेंबलेंस रखता है। अब वापस हम ब्लिसिफाई में जाते हैं गाइस, और वापस जाते हैं मोर में। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं गाइस ऑप्शन हाइड ऐप्स फ्रॉम रीसेंट की, गेमिंग मोड और डैशबोर्ड सजेशन कंडीशन, शो CPU इन्फॉर्मेशन जैसे आपको जो है देखने के लिए मिल जाते हैं ऑप्शंस, और वेक लॉक, ब्लॉकर, अलार्म ब्लॉकर जैसे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सिग्नेचर स्पूफिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर गाइस अवेलेबल है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी रूम में एज लाइटिंग का भी सपोर्ट है, जो आप नोटिफिकेशन से जाकर इनेबल कर सकते हो। तो ये देखिए गाइस एज लाइटिंग, और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है फेडेड और सॉलिड का, लाइटिंग ऑन AOD ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है, और कलर, ड्यूरेशन, टाइम आउट और जो एक्सटेंड कलर। तो चलो मैं दिखा देता हूँ एज लाइटिंग कैसे काम करता है। तो ये देख सकते हैं गाइस आप एज लाइटिंग कुछ इस तरीके से काम करती है, और ये अच्छे से वर्किंग है, तो कोई इश्यू नहीं है एज लाइटिंग के साथ भी। डिस्प्ले में चलते हैं गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइट थीम कैसा दिखता है गाइस। तो चलो इसको हम करते हैं बंद, डार्क थीम को। तो गाइस ये रहा इसका लाइट थीम, जो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, और ये भी कि शानदार है, पर डार्क थीम जो है आपकी बैटरी भी बचाता है और ज़्यादा बेहतरीन नज़र आता है।
गाइस यहाँ पर जो है आप डार्क थीम को ओवरराइड कर सकते हो सारी एप्लीकेशंस पर। और यहाँ पर लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में जो है आपको एम्बियंट डिस्प्ले जैसे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो जेस्चर्स वगैरह हैं पिकअप जेस्चर्स वो आप इनेबल कर सकते हो, और कस्टम जो लॉक स्क्रीन मैसेज है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर्स का, तो आप अपने डिस्प्ले के कलर्स चेंज कर सकते हो नेचुरल, बूस्टेड या फिर सैचुरेटेड पर। और अब देख लेते हैं कि यहाँ पर डिजिटल वेलबिंग है या नहीं। तो हाँ, डिजिटल वेलबिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल गई है, क्योंकि मैंने इस पर इंस्टॉल कर रखी है ओपन गैप्स। तो ओपन गैप्स यहाँ पर जो है नैनो वाला पैकेज मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जिससे आपको डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। चलो गाइस रियलमी सेटिंग्स में चलते हैं, जहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है FPS ओवरले का। तो यहाँ पर FPS ओवरले में आप अपने जो फ्रेम रेट है वो ट्रैक कर सकते हो कि कितने फ्रेम रेट आपको मिल रहे हैं, और गेमिंग में काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसको हम बंद कर देते हैं, और गेम मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसका कहना है कि आपकी टच की सैम्पलिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पता नहीं है अच्छे से काम करता है या नहीं। तो गाइस सिस्टम में आपको कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता है, पर गाइस ये जो एनिमेशन है अलग अलग टाइप की, ये मुझे बहुत पसंद आए। जेस्चर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप सिस्टम नेविगेशन चेंज कर सकते हो, जो कि मैं अभी 3 बटन यूज़ कर रहा हूँ। आप 2 बटन या फिर जो है फुल स्क्रीन जेस्चर भी यूज़ कर सकते हो। और गाइस आप यहाँ पर जो पिल बार है इसको हाइड भी कर सकते हो, और जो जेस्चर और जो सेंसिटिविटी है और जो लेंथ है आपके जेस्चर की वो भी सेट कर सकते हो। तो ये देखो गाइस पिल बार जो है हाइड हो गया है। अरे हाँ गाइस, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करना भूल गए, जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी कि हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक इसमें अवेलेबल है गाइस। तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम करता है। तो चलो यहाँ टैप करते हैं, और गाइस अनलॉक हो चुका है, फिर से अनलॉक लॉक करते हैं और फिर टैप करते हैं, और गाइस फिर अनलॉक हो गया है, और लास्ट बार ट्राई करेंगे गाइस 1 सेकेंड में अनलॉक हो जाता है और सिंगल टैप पर रिस्पॉन्स दे देता है। तो ये देख सकते हैं गाइस हमारा फेस अनलॉक भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। फेस अनलॉक भी गाइस यहाँ पर बहुत फास्ट है और एक्यूरेट है, तो फेस अनलॉक भी यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है गाइस। अब आप ही बताओ कि कितनी शानदार आपको ये रोम लगी देखने में, कैसा इसका कस्टमाइजेशन आपको पसंद आया या नहीं आया। और गाइस आपको बता देता हूँ कि इसकी सारी चीज़ें काम कर रही है, जैसे कि वीडियो कॉल, और इसका जो डुअल वोल्टी डुअल 4G फीचर है वो भी काम कर रहा है गाइस। एक इशू मुझे देखने के लिए मिला है कि हमारी जो सिम्स हैं उनके नेटवर्क बहुत ज़्यादा लो मुझे दिखाई देते हैं हमेशा, पर शायद ऐसा है नहीं, ये कुछ नेटवर्क रिपोर्ट इशू है। पर जो नेटवर्क है वो बहुत शानदार काम करते हैं, कोई इशू नहीं है नेटवर्किंग के साथ, पर यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है उनमें थोड़ा सा ग्लिच वगैरह है शायद। और भी लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया है कि यार नेटवर्क बहुत कम आ रहे हैं, पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि नेटवर्क कम है। हाँ, पर ये जो आइकन्स है वो ज़रूर नेटवर्क को थोड़ा लो दिखाते हैं यहाँ पर गाइस। यहाँ पर आपको सब कुछ वर्किंग मिलता है, डुअल वोल्टी 4G कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग, सब कुछ यहाँ पर आपको वर्किंग मिल जाता है गाइस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कैमरा की, तो कैमरा आपको स्नैप कैमरा इंस्टॉल मिलता है, जैसे कि हर रूम में देखने के लिए मिलता है। अब तो मैं इसके बारे में बोल बोल कर भी थक चुका हूँ गाइस। अब हम चलते हैं यहाँ से, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर गूगल कैमरा भी इंस्टॉल कर रखा है, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में दिखाता हूँ। और आप लोग कहते हो कि कैमरा काम नहीं करता यार, कैसे काम नहीं करता, ये देखो फोटोज़ क्लिक हो रहे हैं और गैलरी में भी शो हो रहे हैं। और गाइस यहाँ पर वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, 60 FPS पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये वाले कैमरे में 60 FPS का ऑप्शन नहीं है, पर जो अलग से आप कोई भी इंस्टॉल कर लो बेहतरीन सा कैमरा, उसमें आपको 60 FPS का देखने के लिए मिल जाएगा। पर गाइस आप स्लो मोशन यूज़ नहीं कर सकते, पोर्ट्रेट वगैरह नाइट साइट वगैरह सब कुछ वर्किंग रहेगा, पर स्लो मोशन काम नहीं करेगा गाइस। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले मैं आपको मजे से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको CTS प्रोफाइल का क्या इश्यू वगैरह देखने के लिए मिलेगा या नहीं। तो चलो टेस्ट रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है गाइस। CTS प्रोफाइल फॉल्स है, जैसे कि हर लेने जो है बेस रूम में आपको देखने के लिए मिल रही है। आपको CTS फिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको वायरल बंदा का ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा गाइस। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गेमिंग की, और FPS वाली जो वीडियो है उसमें भी मैंने सेम जो क्लिप है उसका यूज़ किया था, और यही इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है गाइस, काफ़ी बेहतरीन मुझे लगी, कोई इशू नहीं आता है। और गाइस अब बैटरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारी फर्स्ट साइकिल का स्क्रीनशॉट, और जो स्क्रीन ऑन यूजेज था गाइस वो है 4 hours 58 minutes का, और जो यूजेज है वो कुछ इस तरीके की थी गाइस की 1 hour 42 minutes का इंस्टाग्राम, पबजी को 40 minutes और कॉल ऑफ ड्यूटी को 48 minutes खेला गया था। और इतनी देर यूज़ करने के बाद भी गाइस यहाँ पर जो है कितनी बैटरी बची थी भाई, ओके 21% बैटरी यहाँ पर लेफ्ट थी, जो कि अच्छी खासी बैटरी परफॉर्मेंस है। अभी की आपको करंट बैटरी सिचुएशन बता देता हूँ, तो चलते हैं हम यहाँ से सेटिंग में और बैटरी के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 88% बैटरी लेफ्ट है, और स्क्रीन ऑन यूजेज की बात करें तो 1 hour 6 minutes का यूजेज हो चुका है। और क्या मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है वो भी देख लेते हैं, पबजी 15 minutes खेल लिया गाइस क्योंकि गेमिंग टेस्ट कर रहे थे और FPS टेस्ट कर रहे थे। इंस्टाग्राम हमने यहाँ पर 14 minutes यूज़ किया हुआ है, यूट्यूब 9 minutes का यूज़ किया हुआ है,
और कर्नल मैनेजर की बात करें तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्टिव ड्रेन है वो 11.02% पर आर का है, आइडल ड्रेन बिल्कुल भी नहीं है, और टेम्परेचर फिलहाल 39 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि अभी घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाइस इस चीज़ को हम हाइड कर सकते हैं नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से बंद नहीं होता, इसको बंद करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली एंड्रॉयड सेटअप पर टैप करो और यहाँ से इसको डिसेबल कर दो, एंड्रॉयड सेटअप वाली ऐप को। तो ये अब आपके नोटिफिकेशन पर परेशान करने बार बार नहीं आएगा, एक छोटा सा सिंपल सा फिक्स है इसका। बाकी गाइस अब मैंने आपको इस रूम के बारे में सब कुछ बता दिया है, अगर आपको रूम पसंद आई हो तो बताओ कमेंट्स में कि कैसी लगी रूम। और यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि यार जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से 75% लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो यार। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो, 100 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी 100 फॉलोअर्स के लिए, पर और भी आगे की सोच रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। और जो नया वाला हमने चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पर वायरल बंदा का, उसको सब्सक्राइब करो ताकि आप तक पोस्ट नोटिफिकेशन आती रहें। और हमारे जो ग्रुप है गाइस उसमें आपको मासिव हेल्प मिलेगी, काफी ज्यादा वहां पर जो है प्रो लोग हैं, प्रो मेंबर्स हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, जब मैं नहीं होता तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। तो बिल्कुल अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो फायदे में रहोगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को करो सब्सक्राइब।